हमारे घर के बगल में जो प्लॉट है ना, उधर अब काम चालू है, नया घर बनेगा। तो ये देखो, ये सब लगाया है टैंकर मोटर से। देखो ये सब्जी वाला आया है, हरी सब्जी है सिर्फ इसके पास। तो जो हमारे बगल में तिवारी अंकल है ना, वो सब्जी ले रहे हैं। और अभी मेरे पापा भी गए हैं लेने को हरा सब्जी। देखो सोवा, पालक, मेथी सब है इनके पास। तो अभी मेरे पापा भी जाके लेंगे और ये हमारे बगल के अंकल जी ले रहे हैं। ये देखो अभी मेरे पापा, मम्मी, वो दोनों गए हैं सब्जी लेने को। अरे बैगन भी है इसके पास। और ना ये इधर की ये बात नहीं मुझे लगी, इधर ना सब्जी को तौल के देते हैं। और मुंबई में हमारे इधर ऐसे जो गुंडी होती है ना, मतलब बनाया हुआ बंच, बंच का रेट होता है, किलो का रेट नहीं होता, इधर किलो का रेट होता है। ये चीज़ मैंने अलग देखी है लखनऊ में। यहाँ पे केजी के हिसाब से ये सब जाता है सोवा पालक। तो आज हम लोग नॉर्मली आपको खाना बनाते टाइम का वीडियो दिखाते हैं, पर बिकॉज़ आज ऐसा कुछ अलग नहीं बनाया था, बट काफ़ी वैरायटी है तो मैं आपको दिखाती हूँ आज खाने में। लंच खाने के लिए मम्मी, पापा और ये हम सबकी थाली लग गई है। तंदूरी रोटी, कटहल की सब्जी और ये कढ़ाई पनीर, और ये है जीरा आलू, ये है मेथी का साग, ये है दाल तड़का और ये है राइस। और जैसे ये दही इनको ज़्यादा पसंद है तो ये दही भी रखते हैं। तो ये देखो आज हमारी एकदम थाली भरी भरी है। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे खाना। तो जब पापा खाएंगे तो हम लोग रिव्यू लेते हैं। खाओ पापा। पापा हम लोग ना हर बार रिव्यू पापा से ही लेते हैं क्योंकि ये परफेक्ट बताते हैं। साग बहुत बढ़िया है, नमक सही है, पानी, दाल भी काफी टेस्टी। तो मतलब इतना कुछ आज मसालेदार नहीं है, सादा ही है, मगर सब एकदम सादी सब्जी बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्योंकि सादा ही टेस्ट ले लेगा। अच्छा नहीं, पनीर नहीं तीखी थी, मैंने जब चखी थी तब तो नहीं तीखी थी। पापा को पनीर पसंद है। देखो तीखी है कि नहीं, ये तो बोल रहे तीखी होगी। बहुत बढ़िया। तीखी ज्यादा है नहीं ना? एक्चुअली जो कढ़ाई पनीर है ना, आज इन्होंने बनाई है, और तंदूरी रोटी भी इन्होंने बनाई है, और कटहल भी मैंने बनाया नहीं, चल जुट्टा ये, और साग मैंने बनाई है, दाल मैंने बनाई है, और ये चावल। चावल अब तो हम खाते ही खाते, मैं तो खाती ही खाती हूँ इसके लिए। तो चलो अब हम लोग अपना खाना स्टार्ट करते हैं। अब हम मेन शेफ से पूछते हैं। सब अच्छा, पनीर मैंने खाया, मुझे तीखा नहीं लगा, इनको लग रहा था ऐसे तीखा हो सकता है, तीखा नहीं, एकदम सही है। और मम्मी आप खाओ, सब बढ़िया है। मम्मी आप खा के बताओ। बहुत बढ़िया है। पनीर टेस्ट के तीखा नहीं है। चलो अब मैं भी खाता हूँ। घुसता था, खाता था यूपी वाले आलू, खा खा करके उल्लू बन गया। तो क्या महाराष्ट्र में नहीं खाते क्या आलू? कम खाते हैं, बाकी चीज ज्यादा खाते हैं ना। देखो आलू वाली, संडे होगा, संडे होगा उनका, संडे को अलग प्रोग्राम रहता है। नहीं फिर भी जितना अपने यहाँ हर सब्जी में, हमारे यहाँ बिना आलू कौन, जैसे होटल में जाओ पूछो, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू गोभी, आलू मतलब कोई चीज, आलू तो बढ़िया लगता है। ये कहा यूपी वाले, आलू उबाल के उसमें लाल मिर्ची भून के डाल के, कांदा और सरसों का तेल, नमक, चोखा लगा के बढ़िया चावल के साथ, एक नंबर। मुझे वैसा सूखा ही ज्यादा पसंद है। हमारे घर पे शाम के खाने की तैयारी शुरू होने वाली है, मगर उससे पहले कल सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही है और मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको, इसमें पेस्ट रहता है ना डोसा या इडली का, चावल उसको पीस रहे हैं हम लोग। और ये मशीन भी मैंने आपको पहले दिखाई थी, 20 साल पुरानी मशीन है।
देखो ऐसे पीसती, पत्थर है इसके नीचे भी पत्थर है और ये दोनों चक्के भी पत्थर के लगे हैं और ये इलेक्ट्रिक से चलती है। देखो ऐसे धीरे धीरे पीस जाएगा। ये मम्मी ने और डाला, लगा था ना वो मशीन निकाल लिया है और इसमें से सारा पेस्ट निकाल लिया और ये है हमारा पेस्ट। ये एकदम अच्छे से, ये पत्थर बहुत वजन है, ये जो चक्के लगे हैं ना बहुत वजन है तो उसमें से एकदम आराम आराम से सब कुछ निकालना पड़ता है। और अब हमारे ब्लॉग का टाइम भी हो गया है, 8 बजे हमारा ब्लॉग आ जाता है। तो अभी हम टीवी ऑन करके व्लॉग वो वही चेक कर रहे टाइम हुआ है कि नहीं, तो फिर हम लोग यहाँ पे ऑन करके अपना व्लॉग देखेंगे। और पापा देखो आँख में दवा डाल के लेटे हैं, आई ड्रॉप लेके। तो आज हम अभी हम लोग बना रहे हैं आलू फ्लावर की सूखी भाजी। तो आलू और फ्लावर काट के रख दिया है, तो हम इसमें ना मटर और कॉर्न्स भी डालने वाले हैं, तो इसीलिए हमने इंडक्शन पे वो बॉईल होने के लिए रख दिया है ताकि वो अच्छे से बॉईल हो जाए तो जल्दी पक जाएगा। और आज एकदम सिंपल सब्ज़ी बनाएंगे, मसाला वगैरह नहीं डालेंगे, तो नॉर्मल लहसुन जीरा और मिर्ची का तड़का लगा के हल्दी नमक वैसे बनाएंगे। और ये मैंने पहले फ्लावर डाल दिया है और पहले मैं उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, फिर आलू भी डाल दूँगी और उसके बाद कॉर्न और मटर साथ में। तो मम्मी ये पूरे मशीन को यूज़ करने के बाद एकदम अच्छे से क्लीन करके वापस से रख दें, इसलिए ये मशीन इतनी न्यू दिखती है, 20 साल हो गए उसको यूज़ करके। मम्मी ने देखो तुरंत सब उसका पत्थर वगैरह धो के रख दिया, इसको भी अब अच्छे से देखो धो रही हैं और फिर अंदर रख देंगे इसको, इसलिए ही अभी तक इतनी चमकती है। देखो करने के बाद इतना टाइम उसको क्लीन करने को। और अब मैंने डाल दिया आलू भी और अब इसको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखो ये मेरे घर के ना जैसे हम लोग टीवी वाले रूम में एंट्री करते हैं ना वैसे ये डोर पे लगा है। ये हमारे एनिवर्सरी के टाइम पे जो हमारे नीचे पेनगेस्ट रहते हैं ना तो उन बच्चों ने दिया था। देखो कितना प्यारा है इसकी आवाज़ भी, तो बच्चे लोग ने ये लाया था, कितना सही है। देखो ऐसे विंड चैन, तो हम ना जब भी आते जाते तो जानबूझ के इसके बीच से जाते तो आवाज़ आती है, तो ये भी हमारा एक गिफ्ट है एनिवर्सरी का। और ये देखो अब हमारा व्लॉग हम देखेंगे। एक्चुअली कैसे होता है ना, हम लोग एडिट करके डाल देते हैं, ये एडिट करके डाल देते हैं, तो कभी कभी मैं पहले देख लेती हूँ एडिटिंग के टाइम पे, कभी कभी नहीं देखती। और मम्मी पापा जब हम इस पे चला देते हैं ना तो मम्मी पापा आके देखते हैं यहीं पर, तो इसके लिए हम टीवी पे चला देते कि सब साथ में फिर एक बार देख लेते हैं। देखो ऐसा, फिर अब थोड़े देर में मम्मी पापा आ जाएंगे और जो मिस होता है ना हम वापस से रिवाइंड करके उनके लिए लगा देते हैं। ये देखो और ऐसे सब धीरे धीरे आके यहाँ पे सेट हो जाएंगे। तो ये देखो सब्जी में हमने जो हमारा नॉर्मल हल्दी नमक और कश्मीरी लाल मिर्च जीरा पाउडर इतना डाल दिया है और बस अब हम इसको चला लेंगे। और यहाँ पे हमारा मटर और कॉर्न भी हो गया तो उसको बंद कर दिया, थोड़ा देर में ये भी डाल देंगे। तो मैंने इसमें सारा मटर कॉर्न और टमाटर डाल दिया है और बस अब मैं इसको खुला ही रख के पका दूँगी। मैंने को रख दी है और हमने हमारा ब्लॉग भी ख़त्म कर लिया है। तो अभी है ना मतलब मेरा मन हो रहा था कुछ मीठा खाने का, तो हमने स्विगी पे ऑर्डर किया और हमारा पार्सल आ गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या ऑर्डर किया। पार्सल आ गया और ये मधुरिमा, ये मधुरिमा ना इधर का बहुत मतलब सही है। ये देखो राजभोग, केसर केसर राजभोग और ये है गुलाब जामुन। तो गर्म है ना गुलाब जामुन तो एकदम। देखो तो हमने ये मंगाया है तो अब ये हम खाने के बाद डेजर्ट में खाएंगे। और ये मधुरिमा ना यहाँ की मतलब फेमस है, तो बहुत सही और फ्रेश देती है हर चीज़।